नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आई रुक करते हैं खबर की ओर। लाखों करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी भूख और प्यास से तड़प कर मर रहे गौवंश का कोई नहीं इनकी सुध लेने वाला। अपनी बदहाली पर रो रही है यह गौशाला। आपको बता दें कि कन्नौज के थाना चटिया क्षेत्र के ग्राम बेहता में बनी गौशाला अपनी बदहाली के आंसू रो रही है। यहां भूख और प्यास से तड़प तड़प कर गौवंश दम तोड़ रहे। जानवरों को पेट भर खाने को नहीं मिलता, ना ही पीने को पानी मिलता। गौशाला के कर्मचारी खाली ने बताया कि दो गौवंश भूख से मर चुके हैं, तीन बीमार पड़े हैं, जबकि ग्राम प्रधान विनोद कुमार दौरे पे कहा तो उन्होंने सुनने के अनसुने कर दिया। गौशाला में 96 गौवंश आए, जिसमें दो की मौत हो गई है और तीन बीमार पड़े हुए हैं। जब किसी से कहा तो कोई और ध्यान नहीं देता। यह जानवर भूख प्यास से तड़प तड़प कर गौशालाओं में दम तोड़ रहा है। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है? खलील। खलील जी, ये बताएं कितने गोवंश हैं? कितने मृतक पड़े हैं? दो। कितने बीमार पड़े हैं? तीन बीमार पड़े हैं। प्रधान का नाम क्या है? कौन सा गौशाला, कहाँ पे पड़ता है, कौन सा ग्राम पंचायत? बेटा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।